छत्तीसगढ़ में खाद्य व औषधि विभाग का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें पूरे विभाग पर ही फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। खबर के अनुसार विभाग की काम करने की समय सीमा अगस्त 2019 में समाप्त हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके विभाग के सभी पदाधिकारी सुचारू रूप से काम करते रहे। इतना ही नहीं, न्यायालय को भी अपने पद की गलत सूचना देते रहे तथा तथ्यों को छिपाते रहे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिले में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाला विभाग औषधि प्रशासन विभाग में अवैध रूप से पद धारण कर कार्य कर रहा था, जिसकी समय सीमा अधिनियम के अनुसार 4 अगस्त 2019 को समाप्त हो गई थी। उसके बाद भी यह अधिकारी पद में बने रहकर कार्य ही नहीं कर रहे थे, बल्कि अवैध रूप से न्यायालय को भी अपने पद की गलत सूचना दे रहे थे, जिसके पश्चात शासन से भी तथ्यों को छिपा रहे थे, अवैध रूप से लाइसेंस पर हस्ताक्षर कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस पद पर बैठाए गए थे, उस पद का मूल कार्य मिलावट के प्रकरणों को न्यायालय में पहुंचाना है। जब इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह से पूछा गया, तब मंत्री ने कहा कि सचिव के संज्ञान में मामला है, बिल्कुल सचिव द्वारा नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। वह यह निर्देश पूर्व में ही दे चुके हैं। यहां हम आपको बता दें कि अंबिकापुर नगर निगम के पार्षद आलोक दुबे ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले विभाग खाद्य एवं औषधि प्रशासन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने अवैध रूप से अतिरिक्त प्रभार पर अभिहित अधिकारी के पद को 4 अगस्त 2019 के बाद चलवाने का आरोप दस्तावेजों के साथ रखा था। साथ में उन्होंने यह भी बोला कि वह लिखित शिकायत कर चुके हैं, फिर भी आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जबकि इस विभाग में केंद्र शासन द्वारा जारी किए गए किसी भी राजपत्र का पालन नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।